मैम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वी हैव टुडेज क्लास एंड टुमारोज क्लास जस्ट। यस टीचर। आफ्टरवर्ड्स वी विल बी इन स्कूल इंशाल्लाह। Your first class of maths is of maths? No, teacher, it was of physics. Okay, physics. Mariam, did you buy registers for your work, for your biology work or other works as well? Teacher, we have bought copies, notebooks. Okay. Not from school, rough. Means from Lala Book Depot, teacher, because at first coordinator said you may buy registers or rough of copies from Lala Book Depot, and then when you come in school, then you should buy new copies. But you got the message yesterday about registers. When you finish these notebooks, you will buy proper registers from school. Yes, teacher. We can buy now also because teacher, हम अगर उस पे ही काम करते रहेंगे तो मेरी almost सारी खत्म भी होने वाली है। वही ना। That's the point ना। When you finish these notebooks, I think मेरी तो भी शादी रहती हैं। जी? मेरी तो भी शादी रहती हैं। Because no, you are not regular ना। आप बहुत सा काम I think आप करते भी नहीं हो, है ना? जी। मैं थर्सडे तक सारे कंप्लीट करके आऊंगी। ओके, चलें देखते हैं। कंप्लीट होंगे तो फिर योर नोटबुक स्टेटस विल बी सेम एज मरियम। जी शान बेटा जी, आप कहाँ बात शेयरिंग कर रहे थे? हाँ, वे वर यू रोमिंग अबाउट? आवाज आ रही है आपको जी शान? Yes, teacher. हाँ जी, कहाँ सैरें हो रही थी आज? फिर मैंने आपको एंटर भी किया और आप भाग गए। आपने कहा ये तो मिस ने मुझे वाकई बुला लिया क्लास में। कोई आंसर नहीं देंगे? चले जी, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ पहले। But this attendance will be marked at the end of the class, okay? As well, end पे भी नहीं जाएगी attendance, not in the start. Start में भी होती है attendance और at the end I will mark another attendance. अच्छा जी, in my class, Mariam is present. Yes, teacher. Today is 29th of September. Mariam is present. Then. Present teacher. Zara Shafiq. Ma'am. Anika. Yes teacher. Okay, Rubab. Zishan Heather. Yes teacher. Noor Iman. Yes teacher. And the last one is Rasab. Yes teacher. Yes. Yes. Now who is absent yet? Abdullah Wasim and Haika. Two students are absent. Haika thi first class mein physics mein? No. Teacher wo thi lekin wo disconnect ho gayi thi. I think she has an internet issue. Chale Allah kare ab hum school mein hi रेगुलर क्लासेस अटेंड कर। क्या एक्साइटमेंट है या नहीं है कोई भी एक्साइटमेंट? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। मुझे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बोर हो गए ना घर रह रह के? यस। लेकिन कुछ बच्चे कहते नहीं ये अच्छा था, हम आराम से सुबह उठते थे और चिल टाइम था। नो टीचर, नहीं इस तरह भी जल्दी उठते थे। टीचर मेरा है कि मैं मेरा दिल चाहता है कि
बस ना मैं आऊं और मंडे के बाद आऊं, सैटरडे के बाद, यानी कि क्योंकि अभी अच्छा। पेपर्स बाद में दूं तो अच्छा है। अच्छा हाँ ज़ारा आप ठीक कह रहे हो कि अभी भी उठना तो पड़ता ही है जल्दी, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपकी रूटीन तो सेट हो ही गई। चलें जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आज का टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वायरस। वायरस का नाम तो हम बहुत सुन रहे हैं ना आजकल, कौन सा वायरस बड़ा फैशन में आया हुआ आजकल, इन है कोरोना वायरस। यस कोविड 19 इज इन नाउडेज, इसका बहुत ज्यादा है और अभी भी स्टूडेंट्स इसको आप ये मत समझें कि स्कूल ओपन हो रहे हैं तो ये कम हो गया है, इट्स स्ट्रेंथ अगेन रेजिंग, और बाहर फॉरेन कंट्रीज में तो ये फिर से बहुत तेजी से आ गया। बाहर की कराची में 16 स्कूल्स एंड 16 यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं। हाँ जी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि ये दोबारा से अपना स्टार्ट कर रहा है, अपना सेकेंड जो है ना इसकी वेव वो स्टार्ट हो गई। बाहर की कंट्रीज में सुनने में है कि ये अब ज्यादा तेजी से आएगा, पहले तो जस्ट इसका एक ट्रेलर था। टीचर आपको पता है जी इसके बाद एक और वायरस आएगा, मामा ने देखा था वो यूट्यूब पे, मामा देख रही थी उसमें हनी बीज होंगी वो जिसको काटेंगी उनके अंदर वो मेमोरी कार्ड टाइप होते हैं वो डल जाएंगे और उनकी सारी चीजें अमेरिका में हर बंद यानी एक दिजाली कितना है। ये वायरस नहीं है बेटा ऐसे, ये तो कोई ये बात पे बहुत चीजें फेक होती हैं ये बेटा, बस ऐसे ही वो जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि ये सारी प्लानिंग चल रही है मुस्लिम्स के खिलाफ की, उसकी ये ऐसे भी यूट्यूब पे ज्यादातर फेक ही होती है जी। चले बस अल्लाह तआला हमें फेक नहीं है, लेकिन फेक नहीं है। रशिया का वो जो है ना टीचर क्या कहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन, तो जी उसने पहले कह दिया था कोरोना वायरस के बाद हम जो आपको वैक्सीन डालेंगे ना उसके अंदर हम एक चिप रखेंगे। हाँ वैक्सीन की मैंने भी सुनी है जी जी वैक्सीन का मैंने सुना है। चले बस अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह करे हमें आईडी कार्ड वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, सारी आइडेंटिफिकेशन उसी चिप में होगी। आप जहाँ भी जाओगे आपकी जितने भी लोग आप पता होगा इस चिप के थ्रू आपके मोबाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी। आपका मोबाइल तो आपके मोबाइल पे डिटेक्शन हो रही होगी कि आप कुछ जगह। ये मैंने भी एक सुना है की ये जो वैक्सीन आ रही है उसके थ्रू ये कुछ और इनका प्लान है, लेकिन देखें बस अल्लाह ताला हम सबको माफ करे और हर तरह की बुरी जो है ना प्लानिंग उससे बचाए। बस अल्लाह ताला से रहम की दुआ मांगते रहते हैं। हम मुसलमान जो हैं वो लोगों को बहुत कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जिस है ना हमारा होता है कि ये लोग दुनिया से खत्म ही हो जाए, तो बस उस चक्कर में बहुत सी र्यूमर्स भी हैं कुछ अंदर, इसमें र्यूमर्स भी आ जाती हैं लेकिन फैक्ट्स भी हैं नो डाउट। चलें जी स्टार्ट करते हैं। और अब बात एक्चुअली आपको करना ये चाह रही थी कि वायरस अभी भी इन है कोरोना वायरस, तो जब स्कूल आए तो प्लीज बिल्कुल इजी नहीं हो जाना, अपने टाइम को बिल्कुल ऐसे आपने स्पेंड करना है कि यू मस्ट बी सेफ फ्रॉम दिस वायरस, ठीक है, ताकि स्कूल हमारे चलते रहे। जितना हम केयरफुल होंगे उतना ही स्कूल जो है ना वो कंटिन्यू रहेंगे चलना, अदरवाइज अगर केसेस निकल आते हैं फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। So you have to be very, very careful. एक दूसरे से लेना देना एक्सचेंज ऑफ आइटम्स नहीं करनी आपने, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा लेजर टाइम नहीं गुजारना, दूर दूर से बस मिलने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए जी लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज स्टेटस ऑफ वायरस। अब वायरस का नाम तो हम बहुत दफा सुन चुके हैं, अब वायरस है क्या बेसिकली वायरस कौन सी। अब आपने पीछे जो फाइव किंगडम सिस्टम हमने स्टडी किया, in that system do you have any information regarding virus ki wo kis group mein fall kar raha hai, kisi ko pata chala uske bare mein? Humne piche jo five kingdom system read kiye hain, did anybody know about that country hai? Acha first beech mein se lag gayi thi, just wait main net change kar leti hu, ye na net thoda sa sometimes। टीचर मैं
मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी स्टूडेंट्स, आपने फाइव किंगडम सिस्टम जो पीछे रीड की है कर चुके हैं ना हम क्लासिफिकेशन? यस यस. तो डिड यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वायरस इन फाइव किंगडम सिस्टम? इन एनी किंगडम डिड यू हैव एनी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस इन फाइव किंगडम सिस्टम? किसी भी किंगडम में ये नजर आया आपको वायरस? जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? यस टीचर. लेकिन बुक चली गई है ना? बुक स्क्रीन चली गई है आई थिंक. जस्ट वेट. जब ये आई थी भी चली गई है. जब कह रहे नो इंटरनेट आ रही है आवाज, तो इंटरनेट तो मेरा आपके साथ लिंक है बट बुक निकल गई है. मैं चेक करती हूँ, जस्ट वेट. कहाँ गई है बुक? ओहो, मुझे पहले इसको एंड करना पड़ेगा. चेंज द इंटरनेट तो बुक चली गई ना, स्क्रीन कहाँ चली गई? नीचे कहीं अच्छा उधर से होना था. ठीक, इस पे भी एडमिट की ऑप्शन है आज, हर एक में एडमिट लगा हुआ. जी स्टूडेंट्स, जी नूर स्टार्ट रीडिंग. This is first moment. Yes, viruses are at the borderline of living and non-living. Due to their crystalline nature, they are considered as non-living. They are acellular. It means they do not have cellular organizations yet show some characters of living organisms. For example, they possess DNA. Viruses contain either RNA or DNA normally encased in protein coat. They reproduce only in living cells where they cause a number of diseases. They are not considered as organisms and thus are not included in the five kingdoms in classification system. Prions and viroids are also acellular particles and are not included in the five kingdom classification system. Gee students, I was actually asking about a question from you regarding the status of virus. कि आपने पीछे five kingdom system classification read किया, then you read three kingdom system classification. तो उसमें कहीं virus को आपने कहीं include नहीं हमने किया ना किसी भी kingdom में, we did not include virus. ऐसे ही है ना? Yes, teacher. तो इसका जी इसका मतलब है कि वायरस इज समथिंग एल्स, इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑर्गेनिज्म. और इसकी देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है इसकी, बल्कि बड़ी स्ट्रेंज किस्म की इसकी इसका फीचर है कि इट इज अ बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन, यानी कि ना तो आप इसको लिविंग कैटेगरीज में डालते हो ना ही लॉन्ग नॉन लिविंग कैटेगरी में इंक्लूड करते हो. इसके अंदर दोनों तरह के फीचर आपको नजर आते हैं somehow, मतलब इसको आप क्रिस्टलाइन नेचर भी है इसकी, इसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेव किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है. अब किसी नॉन लिविंग चीज को ही हम क्रिस्टल की फॉर्म में रख सकते हैं ना संभाल के, तो क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से ये कहा जाता है कि ये नॉन लिविंग है. ठीक है, लेकिन लिविंग किस वजह से कहा जाता है कि ये बड़ी तेजी से ग्रो भी करता है. अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस एंटर हो जाए ना, जैसे हम इंसानों में या किसी एनिमल्स में या प्लांट्स में,
वहां जाकर ये बड़ी तेजी से अपनी जो सेल है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है. इट तो ये जो फीचर है कि अपनी अपने आप को तेजी से मल्टीप्लाई करना और बढ़ाना, ग्रो करना, यानी कि टू इंक्रीज इट्स नंबर, अपना नंबर बढ़ा लेता है बड़ी तेजी से, फैल जाता है. तो जो ये वाला पॉइंट है, ये इससे पता चलता है कि इट्स अ लिविंग. इट मींस ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है. ये इतने एक हॉरिबल किस्म की चीज है. एक ऐसा अल्लाह ताला ने दुनिया में ये एक चीज पैदा की है जो कि लिविंग कैटेगरी भी बनती है और नॉन लिविंग भी बन जाती है. मरियम, नॉन लिविंग हम क्यों बोलते हैं, किस फीचर की वजह से हम कहते हैं कि इट कुड बी अ नॉन लिविंग बॉडी? टीचर ये हमारी तरह मूवमेंट नहीं कर सकते. वैसे हम चलते फिरते, इनके पास सेंस नहीं होती, इनके पास ब्रेन नहीं होते, लंग्स नहीं होते, बॉडी पार्ट्स नहीं होते. वो तो बेटा वो टीचर मैं बताऊं, नो दे आर नॉट ऑफ वन सेल. टीचर मैं टेल, जी जी शान जी, नूर क्या बता रहे हैं आप? टीचर due to their crystalline nature. Yes, Mariam, this is the answer. Why we consider them non-living? Due to their crystalline nature. We can make their crystals. जैसे किसी non-living चीज के salt के crystals बनते हैं. Salt, नमक आप खाते हो, उसके crystals होते हैं. Silicates के crystals होते हैं. यानी कि जमीन के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको जब आप जमीन से निकालते हैं ना, तो उनको अगर आप laboratory में लेके जाओ, उसको क्लीन करो, तो उसको अगर आप सेट करो ना, दोबारा से ठंडे करो उन्हें, तो उनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं. तो तमाम नॉन लिविंग चीजों के क्रिस्टल्स बनते हैं. तो वायरस के भी आप क्रिस्टल्स बना सकते हो. दे कैन, दे हैव अ क्रिस्टलाइन नेचर. इस वजह से इसको बोला जाता है दे आर नॉन लिविंग कैटेगरी. लेकिन लिविंग क्यों बोला जाएगा? क्योंकि दे कैन इंक्रीज देयर नंबर. जैसे ही इनको कोई लिविंग पार्ट मिलेगा ना, जैसे कोई इंसान के अंदर एंटर हो गए हैं या किसी लिविंग थिंग के अंदर चले गए हैं, वहां जाके तेजी से ग्रो करते हैं, अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं. वहां से आप कहते हो कि दे आर लिविंग. जी रसब, व्हाई वी कॉल वायरस एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉर्डर, एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? क्या रीजन देगी आप इसके लिविंग होने की और क्या रीजन देगी आप इसके नॉन लिविंग होने की? Due to crystalline nature. Yes, due to their crystalline nature, they are living or non-living? They are both non-living. Yes, and why we call them living? Due to their kis feature ki aise living they are cellular, they do not have cellular organization yet show characters on living an organism. चले जी आगे चलते हैं. इसके बाद इसके सेल के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. ये फर्स्ट लाइन में तो आपको रीजन पता चल गई कि ये लिविंग क्यों है, नॉन लिविंग क्यों है. जहां से अब आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है उनकी सेलुलर कैरेक्टर पे, कि ये देखने में कैसे हैं, इनका अंदर से कैसा होता है. वैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊँ, अगर इस तरह से होते हैं नॉर्मली वायरस की शेप जो है ना, साइंटिस्ट ने ये वायरस की शेप बताई है ऐसे. इनकी लेग्स भी होती हैं, लेग्स आगे से ऐसे, उनकी टांगे भी होती हैं ऐसे करके, और ऊपर इनकी जो मेन बॉडी होती है जी, बुक पर है वहां पे है. अच्छा चले, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया. म्यूजिशियन किधर है आप इसको देख लो ना यहाँ से. ये मैंने ड्रॉ किया वायरस का स्ट्रक्चर. अब उन्होंने कहा कि ये दे आर ए सेलुलर. ए सेलुलर मीन्स इनका प्रॉपर सेल नहीं होता. सेल का स्ट्रक्चर इस तरह का तो नहीं होता ना, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे स्टैंड के ऊपर कोई चीज रखी हुई है. दे आर ए सेलुलर. They do not have cellular organization yet. इनके अंदर कोई सेल वाली चीज नहीं है, जैसे सेल के अंदर प्रॉपर मुख्तलिफ उसके पार्ट्स होते हैं, वैसा कुछ नहीं है. लेकिन उनके अंदर क्या चीज मौजूद है? They possess DNA. ये जो मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना इनकी बॉडी में, दिस इज DNA. और DNA आपको पता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके अंदर जीन्स होते हैं. DNA आर बेसिकली जीन्स, ठीक है. और जीन्स क्या होते हैं, ये नाम सुना है कभी स्टूडेंट्स आपने? व्हाट आर जीन्स? यस टीचर, द स्टडी ऑफ, नहीं जीन्स इन टीचर, जीन्स टीचर, जीन्स के अंदर हमारे टीचर जैसे
फीचर्स होते हैं हमारे सारे कैरेक्टर्स होते हैं. जीन्स आर द सेल्स इन आवर बॉडी विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स. पेरेंट्स से जितने भी कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए की वजह से होते हैं, बिकॉज डीएनए हैज जीन्स ऑन इट. ठीक है, तो हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं ना, ट्रांसफर होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हो रहे होते हैं इस वाले पार्ट में. तो वायरस के अंदर कह रहे हैं डीएनए मौजूद होता है. कुछ वायरस में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है. आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. नाम आपको यहाँ लिख दूं या लिख लेंगे आप? आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, आप लिख लो अपने पास इसे. वाइल डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, एंड दीज आर प्रेजेंट आरएनए का जो फुल नेम है दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड. राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबोस न्यूक्लिक एसिड जी राइबोस राइबोस है. ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. राइबोस के क्या स्पेलिंग है? आर मैंने लिखा है बेटा RIBOS राइबोस न्यूक्लिक एसिड. और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ये बेसिकली आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये वाले पार्ट्स. ये मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स. और इन पे ये बेसिकली हमारे किस से रिलेट करते हैं, किस से लिंक है इनका? हमारे जीन्स के साथ लिंक है. तो वायरस के अंदर ये मौजूद होता है. कहाँ मौजूद होता है? इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट. ये जो बाहर मैंने बनाया ना सर्कल सा, सिक्स साइडेड, दिस इज अ प्रोटीन कोट. इसका देखो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है. इट हैज अ प्रोटीन कोट. बाहर प्रोटीन का एक कवर हुआ हुआ है इसका. उसके अंदर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है. और नीचे इसकी ऐसे लेग्स की तरह का स्टैंड बना होता है. दिस इज समझ लें कि साइंटिस्ट ने इसके बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसकी बॉडी के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता है, तो ये इस तरह का हो लग सकता है हमें देखने में. अच्छा जी, दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स. जैसे ही इन्हें कोई लिविंग बॉडी मिलती है ना जिसके अंदर ये एंटर हो जाते हैं, तो वहां पे तेजी से रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं. वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस. जाहिर बात है जब वहां पे फैलना शुरू करेंगे तो अपनी बीमारी भी वहां पे कॉज करेंगे. दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स. लेकिन इनको प्रॉपर किसी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं डाला जाता. ये नहीं कह सकते कि दे आर एनिमल्स और दे आर प्लांट्स. इनको कोई ऐसा स्टेटस नहीं दिया जा सकता. Due to their living and non-living nature, thus are not included in five kingdom system classification. ठीक है, अब ये आगे से इनकी कुछ और types हैं. Prions and viroids are also acellular particles and are not included in five kingdom system classification. समझो ये इनकी मजीद साथी हैं, इनके मजीद companions हैं prions and viroids. एक के अंदर डीएनए मौजूद होता है और विराइड्स के अंदर आरएनए मौजूद होता है इंस्टेड ऑफ डीएनए. अच्छा जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, मैं क्वेश्चंस को हाईलाइट करती हूँ. व्हाट विल बी द क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन वायरस का यहाँ से बनेगा, आप नोट डाउन कर लीजिए. व्हाई वी कॉल वायरसेस एज at the borderline of living and non-living objects. Why we call viruses at the borderline of living and non-living objects? ये यहाँ पे first question आपका बनेगा कि virus को आप living और non-living objects की borderline पे क्यों रखते हो? तो उसकी starting line लेंगे आप यहाँ तक. ये वाली लाइन आपकी आई नॉन लिविंग को करने के लिए. क्लियर? ठीक है, और इसका जो लिविंग कहां से कहां तक?
very first line. Students, are you hearing, all of you? Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher, non-living tak. Miss, only for... First, non-living first, tak. Ye non-living tak le le. First, jo inka hai na, why they are called non-living. Uski reason ye wali hai. Because they are, they have crystalline nature. Teacher, toh hum ye wala nahi karenge. They are acellular. They do not have cellular organism. Ye chosa. जी मैं बिल्कुल जी जी बताने लगी हूँ, लेकिन उसके लिए हेडिंग दूसरी, ये नॉन लिविंग के लिए है ना, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे नॉन लिविंग की, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे लिविंग कैसे आएगा, फिर आप हेडिंग दोगे लिविंग की कि दे आर लिविंग, लिविंग की रीजन क्या है, दे आर ए सेलुलर, दे डू नॉट हैव ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, येट शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल दे पोजेस. अच्छा अच्छा मरीम, आप कह रहे हो, मरीम आप कह रहे हो इसको नॉन लिविंग तक ले जाएं, ये कह रहे हो आप, ठीक हो गया, ठहरे मैं इसको क्लियर करती हूँ सारे. क्लियर ऑल, दोबारा से लेते हैं कलर ये वाला. स्टूडेंट्स यहां से लेके जहां तक आप ले जाएं, ऑर्गेनाइजेशन यहां तक आप कौन सी उसमें रखोगे, नॉन लिविंग के अंदर रख रहे हैं इसको, ठीक है. लेकिन यहां से आगे से आप कहां तक लेके जाओगे, यहां तक दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग. क्लियर हुआ है अब आपको स्टूडेंट्स? Yes, teacher. Teacher, yes, disease sir. Tak hai living ka? Disease tak. Ye as a short question aa jata hota hai ki why we consider viruses as living or non-living objects. Theek hai? Ya ye pehla jo maine question bataya wo bhi same yahi hai. Uska bhi same yahi theme hai. To answer aap start se leke yahan tak iska answer doge. मैं से जो नॉन लिविंग है इसका हम शुरू से लिखेंगे या वो दे से लिखेंगे? वायरसेस से शुरू से लेंगे, स्टार्टिंग से लेकर आप लिविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक नॉन लिविंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन लिविंग को कहाँ से जस्टिफाई कर रहे हैं? येट शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर डिजीज तक, ये लिविंग कैरेक्टर. वो क्वेश्चन अलग है, एक ही है, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर इज सेम. ओके Okay, अच्छा जी, यहाँ पर नीचे नीचे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है. कैन एनीबॉडी कैन टेल व्हाट वुड बी द क्वेश्चन जहाँ पे फाइव किंगडम सिस्टम की बात आ रही है? टीचर दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिज्म एंड थस आर नॉट व्हाई वी कैन नॉट टीचर इंक्लूडेड वायरस इन द फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बनता है. Why we cannot include virus in five kingdom system classification? उसका आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है students? इधर they are not से लेके five kingdom नहीं. नहीं ये तो just एक information दी गई है ना, reason क्या होगी मरियम? Can you give answer? Prions and viroids. Mariam, can you give answer of this question? Why we not consider वायरस इन फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसका आंसर कहां से बन सकता है? बिकॉज़ दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिज्म. मरियम तो क्या हुआ मरियम? डीजे जस्ट वेट, यहां से बन सकते हैं. मिस दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स, यहां से बन रहा है. डीजे मैप डाउन. जी जी बताइए. प्रियोन्स एंड प्रियोई. मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर है, ऊपर से आएगा आंसर. दे आर नॉट कंसीडर्ड एज. ओके मरियम, मैंने आपको एडमिट कर लिया है. क्वेश्चन मैंने आपको बताया व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड वायरस इन एनी किंगडम या इन फाइव किंगडम सिस्टम, दिस इज अ क्वेश्चन. इसका आंसर आप यहाँ से लोगे स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर ए सेलुलर. यहाँ से लेके आप यहाँ तक ले जाओगे, बल्कि एंड तक ही कर लें, एक्स्ट्रा लाइन एक ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका आंसर भी पूरा यहाँ से लास्ट सेकंड लाइन
यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ सेकेंड लाइन से बेटा स्टार्ट करके इधर तक आ जाएं एंड तक ठीक है टीचर क्वेश्चन दोबारा से बताइएगा व्हाई वी डू नॉट कंसीडर वायरस इन फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ठीक है यस टीचर वायरस इन फाइव मरियम बेटा आपका नेट ठीक चल रहा है आज कहाँ से बेटा दे आर ए सेलुलर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे अच्छा जी आगे चलते हैं ये तो हमारी वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि वायरस आर Those organisms which are, who will repeat the concept? Anika, you? Teacher, may I? Teacher, वो last वाला आप question दोबारा से repeat कर दे. Why we do not virus? Why we cannot include virus in five kingdom system classification? Why we do not include virus in five kingdom system classification? क्यों नहीं हम रखते उसे किसी भी kingdom में? उसका answer आप ही पूरा जिस फर्स्ट लाइन ड्रॉ करके पूरा पैराग्राफ आ जाएगा मिस दे आर ए सेलुलर से ना जी दे आर ए सेलुलर ए सेलुलर मींस सेल नहीं है इनका कोई बकायदा जब भी बेटा किसी टर्म के पीछे ए लग जाता है ना ए मींस नॉट सेलुलर है ना सेलुलर के पीछे ए लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये सेल नहीं है दे आर ए सेलुलर ओके टीचर जैसे मैंने एक टर्म हमने पीछे सेक्सुअल तो सेक्सुअल के साथ अगर ए सेक्सुअल लग जाए उसके पीछे ए लग जाए तो उसका मतलब वो सेक्सुअल नहीं है ठीक है ए मींस नॉट जी नूर टीचर आपको अपने टॉपिक से एक हार्ट के वायरस की डेफिनेशन बता दूं बताइए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग होस्ट्स वेरी गुड दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ठीक है ना कि माइक्रोस्कोप की रेंज से भी बाहर है ये ठीक है बहुत ही हाई फाई लेवल का माइक्रोस्कोपिक सिस्टम रखना पड़ता है इसको देखने के लिए इनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते और क्या बताया फीचर आपने इसका ए सेलुलर इनकी बॉडी सेल पे बेस नहीं करती बड़ी डिफरेंट तरह की इनकी बॉडी होती है अजीब सी और क्या फीचर बताया आपने मयूर ये आप इसकी डेफिनेशन दोबारा बता दो माइट बी स्टूडेंट्स लिख लें इसकी डेफिनेशन को टीचर वायरस की जी जी आपके पास भी है ना सेम ये टीचर ना ना मेरे पास तो टीचर मैं बताऊं दोबारा से बताऊं टीचर जी बताएं जीशान बता दें टीचर मैं बताती हूँ बता दे बताऊं जल्दी कर ले आगे चलते बताऊं टीचर बताइए बताइए टीचर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्लिकेट्स बताऊं टीचर इनसाइड द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जी जी शान बताइए टीचर मेरे ख्याल में ये हमारी नोट्स में है ये विल डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पीछे लिखा हुआ है जी तो फिर पहले ही बता दें चले जी शान बता दो जल्दी से हरिया फिर आगे चलें बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे एक मिनट बता रहा हूँ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्मॉलर देन अ बैक्टीरियम दैट कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम अ लिविंग सेल अ वायरस इनवेड्स लिविंग सेल्स एंड यूजेस देयर केमिकल मशीनरी टू कीप इटसेल्फ अलाइव एंड इट टू रिप्लिकेट इटसेल्फ बड़ी लंबी डेफिनेशन ये कहां पे है मुझे बताएंगे सर आप हमें भी रेफरेंस टीचर बुक ग्लॉसरी में ये गूगल पे टीचर बुक पे 212 पेज पे बी कॉलम में वायरस लिखा हुआ है वहां ओके ओके ग्लॉसरी में वहां पे नहीं है टीचर ये वहां पे नहीं है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग होस्ट टीचर ये वहां पे नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स से हम जब क्लास में इंशाल्लाह फेस टू फेस होंगे तो ये डेफिनेशन वहां से जरूर ले लेंगे ये अच्छी डेफिनेशन है
रेप्लिकेट का मतलब होता है अपने आप को डिवाइड करना. चले देख लेंगे जी, शाम इनसे ले लेंगे हम स्टूडेंट्स. डोंट वरी. ओके टीचर. टीचर ये नोट्स में है. अच्छा जी, आज नहीं, तो लगा गूगल, एक ही टॉपिक कर पाए. गूगल से ली, एक ही टॉपिक लिया आज हमने. स्टूडेंट्स आप यू विल राइट दिस, स्टूडेंट्स यू विल राइट दिस टू क्वेश्चंस एंड ऑन योर नोटबुक. ओके 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 टीचर. टाइम तो बहुत ही शॉर्ट है, नेक्स्ट स्टार्ट कर ले थोड़ा सा. बातें ही आज करते रहे, आज ज्यादा पढ़ा ही नहीं गया. जारा बेटा आप रीड करो. जारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अभी हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं दिस इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन नेमिंग. नेम कैसे देंगे, क्लासिफाई तो कर लिया ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम्स में, अब उसके नेम कैसे रखने हैं आपने, अब उसका सिस्टम आप पढ़ोगे. तो बायनोमियल का मतलब होता है दो नाम. बायनोमियल मीन्स टू नेम्स. बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम्स. कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के आप टू नेम्स रखोगे, एक उसका स्पीशी नेम होगा और एक होगा उसका जीनस नेम. साइंटिफिक जी, साइंटिफिक नेमिंग है ये बेसिकली. जी रीड कर रहे हैं जरा. Binomial nomenclature is the method of giving scientific names to living organisms. As the word binomial suggests, the scientific name of a species consists of two names. The first is genes name, genus. And the second one is the name of species. जी, first name is genus and the second name is species. ठीक है, यहाँ से आप देखो कि बायनोमियल से जाहिर हो रहा है कि इट्स अ टू नेम कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम्स. बाय मींस टू. ठीक है, तो फर्स्ट नेम होगा जीनस नेम एंड द सेकंड वन नेम इज स्पीशीज नेम. जी जरा. स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायनोमियल nomenclature. His system spread rapidly and become popular. Many of his names are in use today. Yes. यहाँ पे बेटा students, ये जो uncle थे ना, ये जो biologist थे, Carolus Linnaeus, he is very important. मैंने पहले भी बताया था कि classification में और naming के system में इनका नाम बहुत ज़्यादा famous है due to his famous system. इनका system अभी भी चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन्हीं के सिस्टम को लेके साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं. जी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में, व्हाट इज मेंट बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर. यहाँ पे क्वेश्चन बना लीजिए शॉर्ट, व्हाट इज मेंट बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड हु इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम. ठीक है, तो ये फुल पैराग्राफ आप मार्क कर लो यहाँ से. टीचर क्या क्वेश्चन है दोबारा से बताइएगा. What is meant by binomial nomenclature and who introduced this system? Starting from here up till here, इसमें scientist का name भी आ रहा है आपका और binomial nomenclature का meaning भी बता रहे हैं वो आपको. ठीक है. Okay teacher. Teacher ये सारा paragraph ना. जी full paragraph. जी Anika, okay. what is the meaning of binomial? Binomial means Miss Bell. Miss by means two and nominal means names. Yes, very good. So it means it's a system of naming two names. मतलब हर इंसान, हर भी organism, जो भी organism उसके two names होंगे. What is the scientific name of human being, Russell? हम पढ़ चुके हैं chapter. Homo sapiens. Okay, Homo sapiens. Homo sapiens. Homo क्या show कर रहा है? It's a genus name or species name? Species. नो नो नो, होमो जो पहला नाम होगा वो हमेशा जीनस का होगा. जीनस जीनस जीनस. होमो होमो इज जीनस नेम एंड सेपियंस मींस स्पीशीज नेम. स्पीशीज ये जो आप घर में भिंडी खाते हो ना आजकल भिंडी, इसका भी साइंटिफिक नेम है. सब्जी मुख्तलिफ पोटेटोस खा रहे हो, जो भी सब्जी है, जो भी एनिमल है, जो भी प्लांट है, हर एक का एक साइंटिफिक नेम है. तो भिंडी का साइंटिफिक, भिंडी जो है ये जब लेडी फिंगर खाते हो, इंग्लिश में तो हम उसे बोलते हैं लेडी फिंगर, बट इन साइंस बॉटनी आप उसको नाम दोगे हाइबिस्कस एस्क्यूलेंटिस. अब हाइबिस्कस इट्स इट्स जीनस नेम, एस्क्यूलेंटिस इट्स इट्स स्पीशीज नेम. ठीक है,
Yes, और ज्यादा मॉडर्न पे आ जाओ तो ओकरा भी बोलते हैं भिंडी को, ठीक है, साइंटिफिकली भिंडी को एक और नाम भी दिया जाता है ओकरा। तो वैसे अगर आप इसके दो नाम रख जी, ये वाला तो टीचर आप ऑलमोस्ट सारों को ही पता जी, ओकरा पता है। तो जो साइंटिफिक नेम है दैट इज हाइबिस्कस एस्क्यूलेंटिस। तो इस तरीके से आप अपनी जो नॉर्मल जो वेजिटेबल्स हैं इनको आप याद रख सकते हो। वैसे तो आपके सिलेबस में इतना नहीं है कि आपने इन सबके नाम याद करने हैं, दो चार के ही हैं। हु इज वेटिंग इन वेटिंग रूम? वेटिंग रूम में कौन है, इतनी लेट कौन आ रहा है क्लास में? वेटिंग रूम में वन है ना कोई बंदा? हु इज देयर? नजर नहीं आ रहा, नजर पहले था कोई, मैंने एडमिट ही नहीं किया उन्हें। चलें, अब तो वैसे भी क्लास टाइम इज ओवर।